दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में जो MI रिमोट है उससे आप अपने टीवी को कनेक्ट करना चाहते हैं या डिश को कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपके साथ इस तरह का कुछ परेशानी है तो इस वीडियो का पूरी लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को खोल लेना है और इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है MI रिमोट। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका एप्लीकेशन जो है सो अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है तो सिंपली यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है ऐड रिमोट का, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद अगर आपको टीवी से कनेक्ट करना होगा तो टीवी पे क्लिक करेंगे या डिश से कनेक्ट करना होगा तो डिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपनी के डिश मिल जाएंगे, तो आपको जो भी डिश कनेक्ट करना होगा सिंपली आप उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने मोबाइल को डिश के सामने ले जाएंगे और उसके बाद ये जो पावर बटन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लेना है कि अगर आपका पावर बटन वर्क करता है डिश के साथ तो सिंपली यस करेंगे, अगर नहीं करता होगा तो सिंपली नो करेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, तो वॉल्यूम पे भी क्लिक करके आप देख लेंगे कि आपके डिस्क के साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो सिंपली आप यस करेंगे। और इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर पेयर्ड मिल जाता है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली आपका रिमोट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से आप अपने रिमोट से टीवी को या डिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने टीवी या डिस्क के लिए रिमोट को आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।